फिर दो साहब ना करें, फिर दो साहब लाइव जा रहा है, फिर दो साहब ना करें क्या मसला जी? मैं ये कह रहा हूँ कि मत करें ये, आप चुप के मैंने पढ़ा क्या करेंगी इसका आप? मैं उधर सिर पाड़ लूं। वेलकम टू द शो बेगम साहब। बड़ी देर की मेहरबान। आपने भी बड़ी देर की, कब से हम चाह रहे थे कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं। नाले इन्हां दे शो दे विच पेड़ खाने वाला बंदा ही कौन सी? इंसान का बच्चा इसको कोई आ बन के बैठे। आपने मुझे बताया नहीं मेरे साथ नून लीगी भी बैठे हुए हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत बदतमीज बाजी यकीन का। शुक्र कर मैं इस्तीफा देता, जे मैं वजीर होती तेरी बतीसी आओ पई होनी। खबरदार अगर तुमने शेर का नारा लगाया तो। वैसे आपस की बात है, थोड़ा डर भी जाता। तो तेरे को कौन डरते ही? अल्लाह जानता है जेड़ा तेरे पीछे नहीं हुन। तेरे तेरे की हुंदा है बाजी का तेरे के। तो चल बाजी, तेरे को कौन डरते ही जेड़ा तेरे पीछे नहीं? असि ते ओदे कोल डरदे ही। हां तो ठीक है ना, इंसान की बैक मजबूत होनी चाहिए। जी ए भुट्टो, इन्हें थल्ले सुट्टो। 2008 दे नारे हुण लांडे, पागल ते नहीं होया? ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ 2008 ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਝੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਾਮ ਸੇ ਵਸੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਗਰ ਕੁੰਗਰ ਭੰਨ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਦਾ ਵੀ। सुना वजीर आला आपसे नाराज हो गए? कौन सा वजीर आला मुझसे खुश है? मेरे को तो पता नहीं वजीर आजम के भी खुश है। उसदार बड़ा शरीफ आदमी, उसको क्या बताओ वजीर आला की सीट क्या होती। और क्या, यही तो बातें हैं जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ हुए। कौन? ये बुजदार साहब। आप चाहते हैं बुजदार की भी शामत आ जाए? ओ सीएम साहब ने उतरा देखा, 15 मिनट बैठी हुई थी, उन्हें 2 घंटे बाजी आती है। तो जिसकी ज्यादा रेटिंग होगी वही टीवी पे आएगा ना। ऐसी स्पीच, ऐसी तलीम, ऐसा हुस्न और ऐसा कसूर। बाजी तो वजीर ना होती तो मुस्तफा कुरैशी होना सी। मैं अगर मुस्तफा कुरैशी होती ना, मैंने इसको पहले ही सीन में टेक कर दिया। क्या आपने याद करवा दिया? ये बहुत खुले दिमाग दे ने। ये कभी कभी बाबिया नाल ताश भी खेल लेंदे ने। है ना कोट खाने वाली गल। मैं आपसे पूछने ये चाह रहा था, बचपन में कौन सी खेल पसंद थी आपकी? मैंने हर वो खेल खेला है जिसे बंदों को नफरत है। ये तो घोड़े से बैठ के नेज़े नाल किला भी पुट लेंदे सर। हाँ तो फेमिनिज्म का दौर है, बाकी मर्द सारा कुछ कर रहे हैं तो हमें औरतों को क्या है? मैं भी घोड़े पे बैठ के नेजा पुट सकती हूँ। वैसे इसमें क्या हर्ज है? एक दिन मैडम का निशाना खता हो गया, बाबा पुट के ले गई। तो बाबे को किसने कहा था कि किले पे बैठे? और खुद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ कोई शेर कहूँ। कौन सा शेर आपको पसंद है? तुंदी बाद मखालफ से न घबराए अकाब, तुंदी बाद मखालफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा अड़ाने के लिए। हराम है इस बीबी को शौक हो गए। हराम ना गल कर, मैं तेरा जौक और शौक दो ही पाट दे। और जौक तो साढ़े मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, तुहाडा शेर कौमी असेंबली च पढ़िया सी, याद है? जी जी। जिंदगी आपके मेरा नाम ना शामिल करना, जी जी। गर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। अपना मुंह देखो और शेर देखो। तुम शेर ये पढ़ा करो, लाम लंग जानी है नून ने भी जरा कर दिया। सीन साढ़े वल ते ध्यान ही नहीं, पे भर देंगा अख मटक तेरा, लाम ला देंगा हार सिंगार। अच्छा, सरू का बूटा हवा लगे तो डोलता नहीं। ऐसे महबूब ते लानत पाओ जिन्हों आवाज मारो अगो बोल। क्या बात है, बात वाला क्या है? बस ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्या है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, असल चला ये हमेशा मेरा रिप्रेजेंटेटिव फंसा है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हाँ रिप्रेजेंटेटिव जी। और तुसी अपना ओहदा वेखो, अपना मनसब वेखो, तुहाडा बनदा बच्ची नाल जुल्म करना। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब हुंदे, उन्होंने बच्ची नु डीसी कर देना सी। वैसे मेरा ख्याल है इसको मेरे कसून से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ऐतकी मैं मेदे च लत मार। देखे बस ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपने देखा था सोनिया मुझसे किस तरह बात कर रही थी? उसे अल्लाह का शुक्र है कि बल्ला में गड्डी पोल लगी। और नहीं तो असिस्टेंट कमिश्नर को छिक्का मार देना सी इन्हें। इन्हें क्यों दा? इन्हें क्यों? हेलो, अच्छा
वैसे बाजी फरदौस जी बेटा इस्तीफे तो बाद कसून चो पावर नहीं रही हूँ तेरा बहुत ही फिट है ओ हूँ की कसून चो बदाम भर के मारे मैडम ये जंगीर तरीन साहब की कॉल आ रही है ओ, उनको को पहले खान साहब को मनाएं बाद में बात करेंगे वो कह रहे हैं बहुत जरूरी बात करनी है कि संभलियाँ तेरी टूट गई मेरा की है मैं तो होर किसी ना किसी पार्टी एडजस्ट हो जाऊंगी शेर कई फेर अल्लाह मेरे प्राण जिंदगी डरी जाना ठहर भी दे जा अच्छा नोन लीग है ना बेचारे सच्ची मुची डरे भरा है अपना देखो जिन्हिया भी पार्टियां ने अपना वैसे है तो पाकिस्तान की पार्टी है जी 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 ये हर पार्टी के बंदे नूं चपेड़ मारना चाहती है भावे मैं तेरी पार्टी चाहवा ना मैं तेनू कुटा भी जरूर मुझे फिर एक शेर याद आ गया कौन सा सादा लिबास वाले सभी मांद पड़ गए नहीं फिरदौस भाई ऐसे नहीं है ये है कि महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए उठा नहीं, नहीं 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 आप जैसे चाय पड़ गए वाहद पॉलिटिशियन है इन्होंने फुफा जी इन्होंने बाजी कहते हैं ये अपनी पार्टी की योग्यता कर देना है कामयाब हो जाए की बात है वैसी जब मैं मेडिकल कॉलेज में होती थी फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज वहां पे मैं जब डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी डॉक्टरेट हाँ MBBS MBBS जी डॉक्टरेट कहते हैं उसको तो वहां पे मैं ऑपरेशन बड़े किए मैंने अच्छा हाँ डड्डुआ दे बड़े ऑपरेशन और सब तो मजेदार गल है डड्डू आप फड़ के ले आंदे हो सुनो ए भी उस दौरान डड्डू हुंदा सी इधर मैं ऑपरेशन कर गए इन फिर नून लीच एडजस्ट कर मेरी फिजिक सदम जैसे होती थी पतली पतंग क्या बात मैंने ऑपरेशन थिएटर जाना साड़ी का पल्लू मैंने दांतों में दबाना साड़ी पहनकर आप जाती थी ऑपरेशन थिएटर में हाँ उस वक्त मैं बताया ना सदम जैसी होती थी बिल्कुल और मैडम का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है मैडम नूरजहां का हाँ वैसे साड़ी में वो भी बहुत अच्छी लगती तो मैं आपको ऑपरेशन थिएटर का बता रही थी मैंने इतने डड्डुओं के ऑपरेशन किए इतने डड्डुओं के ऑपरेशन किए जब मैं ऑपरेशन थिएटर जाती थी ना डड्डू मुझे देख के हथियार डाल दे और मुझे कहते थे बाजी जो जो ऑपरेशन तू करनी है कोई भी नहीं कर एक डड्डू तो उसने 8-9 दो ऑपरेशन करवाया ऐसा क्या था आपके हाथ में ए मैडम जी ने डड्डू को बिल्कुल तकलीफ नहीं सी होने दी क्या मतलब छुरी नाल ही सी कर दी इंज कर दी सी एक डड्डू को मैंने एनेस्थीसिया दिया वो बेहोश नहीं हुआ टोन हो गया और टोन हो के कहने ही साडी पार्टी जाना जे ओदे उन्होंने पसंद ही गुजारन नहीं दी मैडम उनको वजारत से कोई लगाव नहीं होता उन्होंने आवाम की खिदमत करनी होती लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने जो इस्तीफा दिया लोगों की बातों में आ गए लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बहन भाई जो है जो मैंने काम किए है वो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा इस्तीफा कबूल नहीं करेंगे अच्छा ये बताइए अब आपकी जगह फिर चौहान साहब को बना दिया जब भी बैठे चौहान ही मेरे गिटों को दिल करे तो लोगों को चपेड़ा मार मार के कभी हूँ बच्चे पैदा नहीं कर रहे वैसे आइडिया बुरा नहीं गा यही तशद्दुद तेरे प्यो ने किया जलील ना हो